लगता है थैनोस के मरने के बाद डेथ ने उसे फिर से जिंदा किया और उसने थैनोस को आदेश दिया कि वो यूनिवर्स के हाफ पॉपुलेशन को मार डाले, यानी कि जेनोसाइड। और थैनोस ने एक एक करके सारे इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट किया। अब थैनोस एक कॉस्मिक गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अब उसके आगे फैब्रिक ऑफ रियलिटी एंड लॉ ऑफ नेचर भी झुकता है। अब वो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विंग बन चुका है। उसके एक ही चुटकी में सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। बाय द वे, अगर तुम्हें इस स्टोरी को जानना है तो इस पर क्लिक करके जरूर से देख लेना, या फिर हमारे पेज पर जाकर इस वीडियो को जरूर से देख लेना।